गए हैं यहाँ पे तुलसी गांव, जो बहुत फेमस हुआ था अपने यूट्यूब यूट्यूबर्स की वजह से। और अगस्त में इनकी चर्चा इकोनॉमिक टाइम्स और इंडिया के बहुत टॉप के न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर ने इन्हें कवर किया था। और मैं यहाँ पे हूँ और हमारे साथ है दो यूट्यूबर्स। और आप बताइए अपने बारे में, आपका मेरा नाम। नाम चेतन नायक है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम निमगा छत्तीसगढ़िया है। हम लोग कॉमेडी वाइंस बनाते हैं जो लोकल लैंग्वेज में हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में होती है। अरे वाह! और आपका नाम? मेरा नाम ज्ञानन शुक्ला है और मेरे चैनल का नाम बी छत्तीसगढ़िया। हम लोग कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं हमारे लोकल छत्तीसगढ़ी में रहते हैं। ओके। मैं भी कॉमेडी वीडियोस भी बनाती हूँ और मेरे चैनल का नाम है देश इन विदेश। और मैं कॉमेडी वीडियोस भी बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ बनाने की और व्लॉग भी, मतलब ट्रैवल व्लॉग्स भी बनाती हूँ, इंटरव्यू भी लेती हूँ लोगों का। मैं भी नए नए तो आपने कब से स्टार्ट किया अपना ये यूट्यूब कंटेंट बनाना? मेरा लगभग वही 2019 में, अच्छा। उसके पहले भैया लोग के साथ में ही काम करता था मैं अभी छत्तीसगढ़िया में, और उसके बाद ये कंटिन्यू। ओके। और आपने कब से स्टार्ट किया? हम लोग 2016 से काम कर रहे थे, तो पहला चैनल हम लोग का कुछ कॉपीराइट कारण हटा था, फिर ये नया चैनल हमारा 2018 अच्छा से अभी तक कंटिन्यू कर रहा था। ओके ओके। तो आपकी अर्निंग्स वगैरह सब जो है बढ़िया से यहाँ पे यूट्यूब से होती है? जी अभी थोड़ा जैसा भी है हो जाता है चलता है। और मैंने ये भी सुना कि आपके यहाँ के जो थे कि कोई SBI वगैरह में काम करते थे, आप ही हैं मैं वो? पहले था। ओ, आप है वो पहले। इनके बारे में तो स्पेशली छपा था नाम के साथ कि आपने SBI की जॉब छोड़ी और फिर यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, मतलब। नहीं, मैं SBI की जॉब पहले छोड़ दिया था, हाँ, उसके 2-3 साल बाद मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। उसमें मैं अच्छा। दो चार बिजनेस वगैरह ट्राई किया था ओके। और लास्ट मेरा शॉप था, उस शॉप से मैं चैनल स्टार्ट किया था। 1.5 साल बाद फिर मैं प्रॉपर यूट्यूब में आ गया। ओके ओके। तो फिर अभी यूट्यूब में मजा आ रहा है आपको हाँ एकदम मजा तो आपसे इंस्पायर होके पूरे गांव वालों ने, मतलब कि फिर, इंस्पायर नहीं, सब साथ में काम करते थे और अच्छा। फिर धीरे धीरे लगा कि उनको भी अपना कुछ चैनल चलाना चाहिए। सबके अंदर क्रिएटिविटी धीरे धीरे आ गई, कैसे काम करना पता चल गया था, तो फिर धीरे धीरे सब स्टार्ट करते गए। फिर हम सब एक दूसरे का जो भी हेल्प चाहिए था करते गए, चैनल बहुत सारे हो गए। अच्छा, सही है एकदम। मतलब तब आपके साथ काम करते थे, फिर आपसे सीख कर, फिर अपना भी क्रिएटिविटी, सबके अपना टैलेंट फिर दिखाने का मौका मिला। और यूट्यूब तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है पूरी दुनिया भर के। और फिर सही है एकदम, सही है। तो आप थोड़ा सा दिखाएंगे, आप लोग तो कहाँ शूट करते हैं, किस तरह से ये सब कंटेंट है। बनाते हैं? आजी अच्छा, तो यहाँ पे आप एडिटिंग वगैरह करते हैं? हाँ, लैपटॉप रहता अच्छा है, नहीं करते हैं। और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनका भी सब अपने घर में सेट सेटअप है। अच्छा, सही है, बहुत बढ़िया। और आप लोग शूट कहाँ करते हैं? शूट तो गांव एरिया कहीं भी जो लोकेशंस रहती है हमारी, जैसा रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि हमारे वीडियोस बड़े रहते हैं। हम लोग ऑलमोस्ट अभी 10-40 मिनट 15 मिनट की वीडियो शूट करते हैं, अच्छा, 10-15 मिनट तो के। ओके। 50-50 50-60 अच्छा, 1 घंटा 10 मिनट ऐसा वीडियोस आजकल हम लोग लॉन्ग अच्छा रहते तो हैं। इतने लंबे वीडियो शूट करते हाँ, हैं? हम लोग एक दो चैनल अच्छा, ऐसे ही वीडियो बनाते हैं ओके। जो प्रॉपर एक स्टोरी, स्क्रिप्ट, लोकेशन, कैरेक्टर ऐसा रहता है। अरे वाह, सही है तो यहाँ पे कभी कभार जो लगता है वो करते हैं, बाकी प्रॉपर आउटर लोकेशन दिख रहा है जो हमको सेट अच्छा लगता है उस हिसाब ओके। तो आपका ऐसा मतलब कॉन्सेप्ट क्या रहता है बेसिक आपके वीडियोस का? बेसिक रहता है, उसमें कॉमेडी होनी चाहिए और हमारे कैरेक्टर गांव के ओरिजिनल रहते हैं उनको जो जैसा लगता है, और हमारे उसमें एक मैसेज रहता है, सामाजिक मैसेज भी, कुछ भी अगर कोई देख रहा है वीडियो में तो हमारे हर वीडियो में एक सामाजिक मैसेज देने का हम लोग कोशिश करते हैं। अच्छा, आप लोग एक मैसेज के साथ कॉमेडी बनाते हैं? ओके ओके। और मतलब कैरेक्टर आपके किस तरह के रहते हैं, मतलब जैसे हस्बैंड वाइफ या दोस्तों के सब बीच सब या सब उसमें, ऑलमोस्ट। मतलब अभी तो हम लोग की हर स्क्रिप्ट अलग अलग रहती है, हर स्टोरी अलग अलग रहती है, तो कैरेक्टर भी उस कहानी के हिसाब से रहते हैं। हस्बैंड वाइफ भी रहते हैं कई बार फ्रेंड्स रहते हैं, तो बड़े बुजुर्ग बाप ओके बेटा okay. सब तो कोई सबको हो। मतलब लेकर चलकर आप लोग तो वीडियो बना रहे हो, हाँ सही है। और फिर वो क्लिक कैसे हुआ कि ये वीडियो एकदम मतलब ऐसा हिट हो गया और आप फिर सो कॉल्ड मतलब एकदम यूट्यूबर बन गए? हम लोग ऐसा कोई एक वीडियो ऐसा बोलो भी नहीं कि हिट हुआ है। स्टार्टिंग में हाँ हमारा एक वीडियो वायरल हुआ था व्हाट्सएप में, उस अच्छा। समय यूट्यूब ज़्यादा ट्रेंड में ही था हाँ और यूजर्स भी उसके नहीं थे, मतलब लोगों को यूट्यूब चलाना ही नहीं आता था। नहीं आता था। ये 16-17 की बात है, 17 जनवरी फेब्रुवरी में एक वैलेंटाइन डे पे हम लोग वीडियो बनाए थे, वो व्हाट्सएप में पूरा वायरल था, मतलब
YouTube में उसमें ऑलमोस्ट 1000 व्यू होंगे, पर WhatsApp में ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में लोग देखते चल रहा था, हाँ, तो लोग पहचानने लगे थे। धीरे धीरे YouTube जब क्रेज आया हमारे चैनल में, तब फाइबर धीरे धीरे ही आए और वीडियो बनते गए, दो चार वीडियो बहुत अच्छे बने थे। वो तो है, और सही है, मतलब इसके लिए बहुत क्रिएटिविटी चाहिए, बहुत डेडिकेशन चाहिए, क्योंकि मैं बना रही हूँ मुझे पता है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है जाकर लोगों से मिलना फिर, और जब स्पेशली जब कॉमेडी वीडियो बनाओ तो उसको स्क्रिप्ट को सोचना, भले ही एक दो मिनट का ही बन रहता है वीडियो, तीन मिनट का, चार मिनट का, लेकिन फिर भी मतलब उसमें बहुत डेडिकेशन के साथ सोचना पड़ता है रात भर दो दिन की, भैया कैसे होगा उसका एंड कैसे करें। और लंबा प्रोसेस रहता है, हम लोग स्क्रिप्ट मतलब ऐसा कि एक साथ 15-20 स्क्रिप्ट दिमाग में चलती रहती है और वो पूरी होती रहती है, जैसे पूरी हो जाती है तो फिर हम जो जो लगते हैं चार पांच लोग हमारे गांव वाले लोग हमको बैठा देते हैं, या जैसे कहानी सोचे हैं थोड़ा बताओ, या तो एक पंच वो दे दिया कुछ वो बता दिए, ऐसा करके स्टोरी पूरी एनहेंस हो जाती है। ओके, फिर वो कैरेक्टर जो रहते हैं वो सुन लिए रहते हैं, तो फिर जिस दिन शूट का शेड्यूल बैठता है फिर शूट कर लेते हैं। तो आप खुद ही ऐसा अकेले बैठ के सब कुछ डिसाइड करते हो कि आप मतलब आपके साथ और भी हैं कि स्क्रिप्ट लिखने के लिए, या ऐसा अकेले नहीं है, एडिटिंग भी दो तीन लोग हम लोग करते हैं जब जिसके हिसाब से रहा, छोटी वीडियोस कोई कर देता है, बड़ी वीडियोस मैं देखता हूं, और स्क्रिप्ट ऐसा है कि जो कंटेंट है कुछ कि आज इस टॉपिक पे बनाना है वो सब सोचते रहते हैं ऑलमोस्ट, मैं जैसे 8-10 टॉपिक दिमाग में रहता है काम करते रहते हैं, उसके बाद टॉपिक एक जब फाइनल करते हैं कि अब नेक्स्ट वीडियो कौन सा बनाना है, तो अब सब अपना अपना टॉपिक बताएंगे, ये टॉपिक भी बना सकते हैं। ओके, फिर हम सब मिलके फाइनल करके हाँ ये टॉपिक अच्छा लग रहा है इसको कंटिन्यू करते हैं, तो फिर वो स्क्रिप्ट सुना जाके उसके दिमाग में कितनी आधी अधूरी जो भी रहेगी मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मतलब हो सकता है स्क्रिप्ट बस दे दे वो टॉपिक आगे स्टोरी उसके दिमाग में ना हो। ओके, तो फिर उसको भी हम लोग सोच के चर्चा करके पूरा ग्रुप मिलके उसमें काम करते हैं, फिर वो फाइनल करते हैं, पूरा टीम वर्क है, टीम वर्क करते हैं। सही है। और आपका जैसे ऐसा फेस्टिव सीजंस में भी ऐसा रहता होगा ना कि नवरात्रि आ रहा है, दिवाली आ रही है, हां अभी जैसे छेरछेरा आने वाला है तो उसकी प्लानिंग स्टार्ट कर देंगे कि छेरछेरा में क्या बनाएंगे, वो ऐसे ही वो तो एक टॉपिक जब आया तो रहता ही फिक्स रहता है, उसके बाद वालों को सोचना पड़ता है कि क्या बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं। और आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में माता पिता हैं और वाइफ हैं, भैया भाभी, ओके, और अभी आपके बच्चे नहीं है? आने वाले हैं। अच्छा, आने वाले हैं, कंग्रेचुलेशन एडवांस में। सही है, सही है। तो आप उनको मतलब अपनी वाइफ को भी इन्वॉल्व करते हैं? हाँ, पहले रहती थी, अभी तो थोड़ा बहुत वो भी रहते थे। अच्छा, तो मतलब जो हमको ऐसा है कि हमारे गांव में ऑलमोस्ट पूरे गांव में हमको जो लगता है जरूरत में और जिस जगह पे लगता है, जैसे कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहीं पे, हाँ, हमारा है तो ठीक है, किसी और का भी होता, हाँ, और कंस्ट्रक्शन शुरू करना हम वहाँ जाके जो लेबर काम कर रहे हैं उनसे भी, क्योंकि हमारे गांव के करवा लेते हैं आप लोग, उनसे थोड़ा बहुत समझा के उनसे करवा लेते हैं, कोई बच्चे लग रहे हैं, कोई कुछ भी लग रहे हैं, तो सब मिल जाते हैं हमारे गाँव, मतलब सही है, पूरा गाँव इन्वॉल्व है, मतलब साथ में मिल के काम कर रहा है, कैरेक्टर की कमी हमको नहीं होती, जो भी दिख रहा है ऑन द स्पॉट, कई बार तो अगर एक दो कैरेक्टर कम भी है तो हम लोकेशन पहुंच जाते हैं वहाँ पे, जो दिख गया उसको रुकवा के। अच्छा, तो अभी आपका शूट चल रहा होता है तो कोई कैरेक्टर लगता है, हाँ ये कर सकती तो आप मुझे भी बुला लेते हैं, अरे आप आइए इधर रुकिए इधर से, कई बार वैसे ही होता है। अभी आज मॉर्निंग में शूट किए हम लोग, तो उसमें स्क्रिप्ट में ऐसा था कि एक बंदा है उसके पहले नई साइकिल लेता है, फिर नई बाइक, फिर नई कार, तो साइकिल थी हमारे पास नई और कार भी थी नई, बाइक नहीं मिल रही थी, हम लोग साइकिल का शूट किए, सेट वहीं पे था, 2 मिनट रुके रोड में, चार लोग गए भैया उनको ऐसा करके गाड़ी नहीं है गाड़ी दे दो, गाड़ी लिए शूट किए, उसके बाद वो 15 मिनट रुके फिर चले गए। ये गांव में ही इंडिया में ही पॉसिबल हो सकता है, बाहर ऐसा करेंगे ना तो पुलिस बुला लेगा, बोलेगा कि पहले तो इनको ले जाओ, उस बात बात नहीं, वो बकायदा आधा घंटा, वो 15 मिनट बोल के आधा घंटा वो खड़े रहे, बाद में अपना बाइक, नहीं बहुत फ्रेंडली होते हैं, नहीं नहीं वहाँ भी बाहर भी लोग ऐसा नहीं, मतलब हेल्प करते हैं बहुत, मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं ऐसा लोगों को पूछ पूछ के रोक रोक के, तो लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बहुत अच्छे से, बस बोलना चाहिए, आप रिक्वेस्ट करोगे तो जबरदस्ती तो करते नहीं हम लोग। ऐसा कभी हुआ है कि ऐसा आप रोके हो या कुछ हुआ हो, बोला भैया मेरे पास टाइम नहीं है आप बाद में मिलना, ऐसा वो कई बार कई लोग व्यस्त रहते तो हाँ। रोकता तो ही नहीं हूँ मैं, बाद में आऊंगा ऐसा करके, अच्छा ठीक है तो दूसरा आ जाएगा। अच्छा, किसी ऐसा चमका है ऐसा रूडली नहीं बोला कि भैया सुनो ना, नहीं नहीं ऐसा, जैसे मूड खराब है कुछ वाइफ से लड़ाई होकर आई है, सामने में यहाँ पे पब्लिक ले सकते हैं। अच्छा, अभी तो मतलब नहीं होता है, नहीं हुआ है, नहीं जो भी है दैट इज गुड, ऐसा नहीं होता कि घर में इतना फ्रस्ट्रेशन जो आज तो हाँ, कई लोग का रहता होगा, आपके साथ हुआ है कि नहीं? नहीं, हमारे साथ ऐसा एक बार हुआ था जब हम लोग यहाँ प्लांट है, सीमेंट प्लांट, हम वहाँ पे शूट कर रहे थे और क्योंकि प्लांट एरिया में अलाउ नहीं रहता, हमको पता नहीं था,
वो तो एक दो दिन तो शूट करके आ गए, तो लास्ट में वो अचानक से गिन आ गए कि ये क्या शूट कर रहे हो, ऐसा नहीं नहीं यहाँ पे अलाउ नहीं करते, तो हमको पता नहीं था क्यों नहीं, थोड़ा बहुत बहस किया उनसे, फिर हम लोग हाँ चल ठीक है यार, वही बोले नहीं यार बेटा ऐसा ऐसा करके कब समझा के प्लांट एरिया में ऐसा नहीं किया जाता क्योंकि यहाँ पे अलाउ नहीं है, तो फिर हम लोग बोले ठीक है हम लोग उधर कहीं और, तो ऐसा बस एक बात होता है। अच्छा साहब, अपनी वाइफ के साथ ऐसा बनाते बनाए हो वीडियो, कभी ऐसा हुआ है कि दोनों की फाइट हुई हो घर में और फिर जाकर वीडियो में शूट करना है तो आज फाइट वाला सीन करेंगे? नहीं, वो तो सब फिक्स रहता है, ऑलमोस्ट हमारा जिस दिन शेड्यूल रहता है मॉर्निंग से रहता है, तो मॉर्निंग में तो सो के उठे और सीधा गए। अच्छा ऐसा, ऐसा है? तो है नहीं किया, फाइट होने में तो टाइम लगेगा, दोपहर शाम को फाइट होगी, शेड्यूल जिस दिन है दो तीन दिन तो सुबह सुबह। जैसे लड़ाई हो गई आपकी वाइफ ने कहा मैं नहीं करूंगी शूट, जाओ अपना देख लो, ऐसा वाला नहीं? नहीं, शाम के टाइम में तो रहता है, बाद में भले बोल देते हैं कि आज के बाद मैं नहीं रहूंगी, नहीं पर उस समय जब काम चलता रहता है शाम में रहते हैं, तो तब धीरे 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 करके आपने काफी अपना बढ़ा लिया, मतलब बना लिया और अब फुल टाइम आप यूट्यूबर हो, दैट इज रियली गुड अमेजिंग। मतलब आज तो बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूबर कर रहे हैं, बट जिसका कंटेंट अच्छा होता है, जिसका रहता है, नहीं ऐसा नहीं है कंटेंट वगैरह, अगर आप किसी भी चीज में समय दोगे लगातार डेडिकेशन से तो धीरे धीरे आपको निखार आता जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं बोल सकते कि आप स्टार्ट करोगे और आप कंटेंट अच्छा बना लोगे, हो सकता है आपको कमियां आपको ना पता चलेंगी कि आपका कंटेंट है, आपको अच्छा ही लगेगा। हाँ, बिल्कुल, पर धीरे धीरे जब वो इम्प्रूव होता जाएगा आप फिर बैठ के देखोगे कि मैं 5 साल पहले क्या देखता था, क्या बनाता था, तो आपको खुद पता चलेगा कि हाँ ये अच्छा नहीं। नहीं नहीं, वो मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ क्योंकि मैं खुद, मैं पता है कि मतलब यूट्यूब जब स्टार्ट की, लास्ट ईयर स्टार्ट किया मैंने, तो मेरा फुल टाइम नहीं है, आई एम नॉट अ फुल टाइम यूट्यूबर, बट स्टिल बहुत हॉबी है, बहुत पैशन है इस चीज़ को करने का। तो जब शुरू में था तो वीडियोस बहुत अलग तरह से बनती थी, धीरे धीरे करके उसमें इम्प्रूवमेंट, स्टिल बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, बट वो तो लास्ट तक रहता है, इवन बॉलीवुड हॉलीवुड वाले भी इम्प्रूव करते रहते हैं। जेम्स कैमरन अवतार के लिए कैमरा नया लेके आए, करेक्ट, वो तो इम्प्रूवमेंट है ना, अंडर वाटर शूट करना है तो उस लिए कैमरा बनाया गया, इम्प्रूव तो कर ही रहे। सही है, तो आपने अवतार वगैरह के ऊपर भी बनाया है कुछ? नहीं अभी तक, मैंने आपको दे दिया एक एक्चुअल में ना हमारा विलेज एरिया हो छत्तीसगढ़ में ना उतना अवतार का क्रेज भी है, सिटी एरिया में रहता है तो व्यूअर्स बहुत कम रहते हैं, बना देंगे तो उनको जब अवतार का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा तो वीडियो भी समझ नहीं आएगा। हाँ, ये भी है, सही बोल रहे हैं। हमारा ये थोड़ा सा सीमित रहता है कि जो लोगों को समझ में आए यहाँ की, हम लोग उस टॉपिक के हिसाब से वीडियो बनाते हैं। अच्छा, तो आप एकदम नर्व पकड़ के चल रहे हैं कि छत्तीसगढ़, हमारे छत्तीसगढ़ का जो है, स्टार्टिंग में 2 साल लगा जी समझने में, पहले हम लोग बनाते थे कि हम लोग देखते थे बाहर के यूट्यूबर्स को, तो वो ऐसा बनाया तो हम लोग वही बनाते थे, फिर धीरे धीरे नहीं कि हाँ करेक्ट लोग ऐसा देखते हैं, वो चीज़ें धीरे धीरे आई। नहीं नहीं, मुझे भी आप ये सब बातें करें ना, मुझे भी सीरियसली बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि कैसे कर सकते हैं, कैसे आप आगे वीडियोस बना सकते हैं, कॉमेडी वीडियोस या इंटरव्यू वाले वीडियोस, कुछ भी कुछ भी आप स्टार्ट करोगे तो थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, नहीं नहीं, बहुत सही है, सही है। तो आप थोड़ा सा दिखाएंगे आप और अपना गाँव दिखाएंगे आप? गाँव तो ये थोड़ा गाँव का आउटर एरिया है, गाँव आप घर जाएंगे ना, जैसे जो अभी बोल रहे चेतन आपको एक माधव के पास लेके जाएगा, वो बोलेगा आपको एक राउंड गांव को घुमा देगा। अच्छा, ओके ठीक है, ये थोड़ा ना एक्चुअल में आउटर एरिया है। अच्छा, ये गांव ही है। हाँ, पर इधर से आउटर, इधर मेन गांव, अब इधर बाद में घर बने हैं तो गांव वाला फील नहीं आता। अच्छा, गांव की लोकेशन उधर गाँव इस तरफ है, तो उधर कहीं शूट वूट देखने मिलेगा? अभी संभावना बहुत कम है, पानी गिर रहा था सुबह हम लोग किए थे और दोपहर में सब, अभी तो सब खेत वगैरह में व्यस्त है तो अभी लोग ही कम मिलेंगे। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच, और थैंक्स अ लॉट, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, सीरियसली बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं इतना सुनी थी, मैं 3 जब आपके बारे में आया था तब से मैं सोच रही थी कि जब भी मैं इंडिया विजिट करूँगी या आई विजिट दिस विलेज और देखूँगी कि कैसे यहाँ पे काम कर रहे हैं सब, और आपका तो एकदम आप वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो गए हो। फाइनली मैं अपने घर बिलासपुर वापस आ गई हूँ, मुझे बहुत मज़ा आया तुलसी गांव जाकर, जो यूट्यूबर्स का गांव कहलाता है। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स का इंटरव्यू किया, गांव वाले ने बहुत हेल्प किया मेरा और बहुत सारे उन्होंने टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए यूट्यूबर्स ने कि अपने यूट्यूब को आप कैसे चैनल को सक्सेस दिला सकते हो, कैसे कंटेंट बना सकते हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उन्होंने कैसे किया, मुझे बहुत मज़ा आया। और उनका जो टिप्स और ट्रिक्स जानने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को,
क्योंकि जब उनका इंटरव्यू का वीडियो आएगा तब आपको पता चलेगा कि हमने क्या क्या बातें की। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। और हाँ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।